7:07 पे साइप्रस देश के लनिका शहर से एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट हीलियोस 522 टेक ऑफ करता है। ये एयरक्राफ्ट ग्रीस के एथेंस शहर जा रहा है, जिसमें करीब 1.5 घंटे लगने वाले हैं। इसमें टोटल 121 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिसमें 115 पैसेंजर्स, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट्स हैं। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद 6:23 पे ये एयरक्राफ्ट 34,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है और अपने डिसाइडेड पाथ पे उड़ रहा होता है। टेक ऑफ के करीब 1.5 घंटे बाद 7:37 पे प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है और होल्डिंग पैटर्न में घूमना चालू कर देता है। होल्डिंग पैटर्न एक ओवल पाथ है, जिसमें किसी भी प्लेन को लैंडिंग की परमिशन का वेट करते समय घूमते रहना होता है। एथेंस ATC कई बार हीलियोस 522 को कॉन्टेक्ट करके लैंडिंग परमिशन ग्रांट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और प्लेन बिना किसी कॉन्टेक्ट के होल्डिंग पैटर्न में घूमता रहता है। 15 मिनट बाद एक अलर्ट जारी किया जाता है और हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट भेजे जाते हैं एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए। दोनों F-16 एयरक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं और कुछ चौंका देने वाली बातें रिपोर्ट करते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, लेकिन कैप्टन की सीट खाली है और फर्स्ट ऑफिसर आगे की तरफ झुका हुआ है और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। इसके अलावा कोई भी पैसेंजर F-16 जेट्स को देख के रिएक्ट नहीं कर रहा है। कई पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगा के बैठे हैं, पर वो भी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हैं। कुछ ही देर में F-16 का पायलट देखता है कि एक आदमी बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन की सीट में बैठ जाता है। वो हेडफोन्स लगाता है और सामने लगे कंट्रोल्स को यूज करता हुआ दिखता है। F-16 पायलट उस शख्स को हैंड जेस्चर्स के थ्रू लैंड करने को कहता है, जिसके रिप्लाई में कैप्टन सीट में बैठा शख्स अपने हाथ से नीचे पॉइंट करता है और कुछ ही देर में हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है और क्रैश कर जाता है। यह हादसा प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की जान ले लेता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ गहरे सवाल। आखिर टेक ऑफ के बाद उन 1.5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि कोई भी पैसेंजर और फर्स्ट ऑफिसर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे? कैप्टन की सीट खाली क्यों थी और कॉकपिट में घुसने वाला वो शख्स कौन था और आखिर वहाँ क्या कर रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 8 घंटे पीछे जाना होगा। सुबह के 1:25 में यही हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट लंदन से 2.5 घंटे की उड़ान भर के साइप्रस में लैंड करता है और इस फ्लाइट के क्रू को प्लेन में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। वो ग्राउंड इंजीनियर्स की टीम को रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन के राइट सर्विस डोर की सील फ्रीज हो जा रही थी और फ्लाइट के दौरान ये डोर आवाज भी कर रहा था। किसी भी प्लेन में जितने भी डोर्स होते हैं उनका अच्छे से बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना केबिन का एयर प्रेशर लीक हो सकता है। प्लेन के इंजन आगे की ओर से हवा को खींच के कंप्रेस करके उसे तेजी से पीछे फेंकते हैं, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है और इन्हीं इंजन से बनी कुछ कंप्रेस्ड एयर प्लेन के अंदर पंप कर दी जाती है ताकि प्लेन के अंदर एयर प्रेशर मेंटेन रहे। केबिन प्रेशर को आउटफ्लो वेल्व से कंट्रोल किया जाता है। जरूरत से ज्यादा एयर प्रेशर होने पर आउटफ्लो वेल्व को खोल दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर कम हो सके एंड वाइस वर्सा, और यही है केबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम, जो इंश्योर करता है कि क्रू और पैसेंजर्स के सांस लेने के लिए प्लेन के अंदर इनफ एयर प्रेशर। साल के ग्राउंड इंजीनियर एलन इरविन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है हीलियोस 522 के डोर को इंस्पेक्ट करने की। वो डोर का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और फिर केबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं इस डोर से एयर प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा। इस समय प्लेन जमीन पे था और प्लेन के इंजन बंद थे, इसीलिए बिना इंजन को यूज किए प्लेन को प्रेशराइज करने के लिए ग्राउंड इंजीनियर ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU का यूज करता है। APU किसी भी ऑल्सो इस टेस्ट के लिए ग्राउंड इंजीनियर प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल मोड में डाल देता है। पूरे टेस्ट में ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन या प्लेन के डोर में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वो प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए क्लियर कर देता है, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है। रूल्स के हिसाब से ग्राउंड इंजीनियर को प्रेशराइजेशन सिस्टम को वापस से ऑटो मोड में डालना, लेकिन ग्राउंड इंजीनियर गलती से उसे मैनुअल मोड में ही छोड़ देता। सेटअप करने के लिए उसे बोर्ड करते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 58-year-old हंस यर्गन मार्टिन, जिनके पास टोटल 35 साल और 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर थे 51-year-old पांकोस चारालंबोस, जिनके पास करीब 17 साल और 7,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार करने के लिए दोनों पायलट्स को कुछ ड्यूटीज पूरी करनी होती हैं, जिसे प्री फ्लाइट प्रोसीजर कहते हैं। इस प्री फ्लाइट प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट ऑफिसर की एक ड्यूटी थी ये इंश्योर करना कि प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पे हो, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर उसे मैनुअल मोड में ही छोड़ देता है। प्री फ्लाइट प्रोसीजर के बाद प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। बेसिकली दोनों पायलट्स को एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक कंट्रोल्स को चेक करना होता है और
और ये इंश्योर करना होता है कि वो करेक्ट सेटिंग्स पे हों। लेकिन इस चेकलिस्ट के बाद भी पायलट्स प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल में स्विच नहीं करते। सुबह 6:07 पे फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के बाद पायलट्स को आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट एग्जीक्यूट करनी होती है और इस चेकलिस्ट का पहला आइटम ही प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करना था। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार भी उसे मैनुअल मोड में ही छोड़ दिया जाता है। इसके हिसाब से पायलट्स उस दिन एक्सपेक्टेशन बायस के विक्टिम बने थे। एक्सपेक्टेशन बायस होने से इंसान वो देखता या सुनता है जो वो यूजुअली देखने या सुनने की उम्मीद करता है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। तो जनरली प्रेशराइजेशन मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था और वो हमेशा ऑटो मोड पे ही रहता था। इसीलिए पायलट्स के ब्रेन ने बड़ी स्ट्रॉन्गली एक्सपेक्ट किया हुआ था कि प्रेशराइजेशन ऑटो पे ही होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी पाया कि जब प्रेशराइजेशन मैनुअल मोड में होता था तो वो एक ग्रीन लाइट से इंडिकेटेड होता था और ग्रीन लाइट जनरली कोई गलत सेटिंग का इंडिकेशन नहीं देती। ग्रीन लाइट की जगह अगर मैनुअल मोड को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट होती तो शायद पायलट्स को रियलाइज हो जाता कि कुछ गलत है। उसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम की सेटिंग को कई और सेटिंग्स के साथ क्लब किया गया था और कई सेटिंग्स को एक साथ क्लब करने से किसी एक या दो सेटिंग्स के मिस हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली ये भी पाया गया कि फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में मेंशन था कि वो ट्रेनिंग के टाइम पे एसओपीज को अच्छे से फॉलो नहीं करता था, चेकलिस्ट एग्जीक्यूट करते समय गलतियां करता था, नॉन नॉर्मल सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट करता था और कॉन्फिडेंस लूज कर देता था। 5 मिनट बाद प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है और तभी प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग साउंड बजने लगता है। दोनों पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन ग्राउंड पे हो और टेक ऑफ करने के लिए रेडी ना हो। इंसिडेंटली टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और केबिन ऑल्टीट्यूड इन दोनों ही वार्निंग्स का साउंड एकदम आइडेंटिकल साउंड करता था और इसीलिए पायलट्स कंफ्यूज हो गए। 2 मिनट बाद पायलट ग्राउंड इंजीनियर के कॉन्टेक्ट पे आता है और उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताता है। इस दौरान प्लेन ऑटो पायलट पे होने के कारण आगे भी बढ़ता जाता है और उसका अल्टीट्यूड भी इंक्रीज होता जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचने पर लो एयर प्रेशर के कारण पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क रिलीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने का इंडिकेशन पायलट्स को कॉकपिट पे भी मिलता है। लेकिन सेम टाइम पे लो एयर प्रेशर के कारण प्लेन के इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम्स भी काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि और पायलट्स को इक्विपमेंट कूलिंग ऑफ की वार्निंग भी मिलती है। इन दोनों वार्निंग्स का साथ में मिलने के कारण पायलट्स का ध्यान अनफॉर्चुनेटली केवल इक्विपमेंट कूलिंग ऑफ की वार्निंग पे जाता है। अगर पायलट्स इस टाइम पे पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने का इंडिकेशन देख लेते तो उन्हें समझ में आ जाता कि केबिन का एयर प्रेशर लो हो गया है और लो एयर प्रेशर की प्रॉब्लम होने पर पायलट्स को तुरंत उनके पास मौजूद पोर्टेबल ऑक्सीजन मास्क को लगाना होता है ताकि वो कॉन्शियस रह के प्लेन को कंट्रोल कर सके और उसकी हाइट कम कर सके। पर वो ऑक्सीजन मास्क को यूज नहीं करते क्योंकि पायलट्स को पता ही नहीं चलता कि एयर प्रेशर लो हो रहा है। इंस्टेड उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम इक्विपमेंट कूलिंग की है। कैप्टन को लगता है कि इक्विपमेंट्स करंट के ओवरफ्लो के कारण ओवरहीट हो रहे हैं, इसीलिए कैप्टन ग्राउंड इंजीनियर से प्लेन के सर्किट ब्रेकर्स की लोकेशन पूछता है ताकि वो उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी के ओवरफ्लो को कम कर सके और इक्विपमेंट्स को ओवरहीटिंग से बचा सके। ग्राउंड इंजीनियर उन्हें बताता है कि सर्किट ब्रेकर्स कैप्टन की सीट के पीछे हैं और हाइपोक्सिया से बेहोश हो जाते हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑफिसर भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। खैर इस दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन हाइट पे ऊपर जाते जाते 34,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है और एथेंस की ओर आगे बढ़ता रहता है। 12 मिनट के अंदर अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी खाली होने लगते हैं और एक के बाद एक सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं। खैर इस दौरान ऑटो पायलट पे सेट प्लेन 34,000 फीट की हाइट पे पहुंच के लेवल हो जाता है और एथेंस की तरफ आगे बढ़ता जाता है। इन सब के करीब 1 घंटे बाद प्लेन एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच के होल्डिंग पैटर्न में घूमना चालू कर देता है। 2 फाइटर जेट्स आते हैं और प्लेन की सिचुएशन रिपोर्ट करते हैं और कुछ ही देर बाद एक शख्स को कॉकपिट में घुसते हुए देखते हैं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमोव होता है जो फ्लाइट में अवेलेबल इमरजेंसी पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई को यूज करके कॉकपिट में आने से पहले तक कॉन्शियस रहता है। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होता है लेकिन वो बोइंग के हीलियोस 522 को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। फिर भी वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो F-16 के पायलट को इशारा करके बताता है कि प्लेन नीचे जा रहा है जिसके कुछ ही देर बाद प्लेन तेजी से डिसेंड करने लगता है। एंड्रियास प्लेन को सेफली लैंड तो नहीं करा पाता लेकिन वो प्लेन को एथेंस के अर्बन इलाके से दूर एक पहाड़ी इलाके में क्रैश करा लेता है एक छोटे से स्विच की गलत पोजीशन के कारण और उसके बाद होने वाले कई अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट्स के कारण ये प्लेन क्रैश। पायलट ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया, प्लेन के वार्निंग सिस्टम्स को बेटर बनाया गया और प्री फ्लाइट और आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट को भी सिंप्लीफाई किया।